साथियों, मैं आप सभी व्यापारियों की एक बात से बहुत ही प्रभावित हूं और वो है आपकी मेहनत। बारह बारह घंटे तक आप दुकान में अपने आप को कैद करके व्यापार ही नहीं बल्कि सच्चे अर्थ में जनता की सेवा करते हैं। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि चुनाव है, मेरा मानना है कि व्यापारी वर्ग एक तरह से सच्चे मौसम विज्ञानी होते हैं। इतना वाक्य लेकर के कल मीडिया में बड़ी बड़ी स्टोरी बन सकती है। जब मैं मौसम विज्ञानी कहता हूं, मौसम विज्ञानी इसलिए क्योंकि व्यापारी को एडवांस में सब कुछ मालूम होता है। वो आने वाले दिन का अंदाजा लगाता है कि लोगों को कब और कितनी मात्रा में कौन सी चीज चाहिए। जब सर्दी आती है तो सर्दी के आने के पहले ही व्यापारी लोगों के लिए कंबल, रजाई, हीटर, स्वेटर, लकड़ी, कोयला सब तैयार करके रख देता है। ऐसे ही जब गर्मी आती है तो पहले से ही वह एसी, कूलर, बर्फ सब का दुकान में इंतजाम करके रखता है। साथ ही वह जिस कुशलता से व्यापार चलाता है उससे भी सीखा जा सकता है कि कैसे साधनों का सदुपयोग करके काम किया जा सकता है। हमारे व्यापारी वर्ग की यही कठिन तपस्या और साधना है जो सदियों से इस देश को बहुत कुछ देती आई है। लेकिन साथियों, आजादी के बाद से कांग्रेस के शासन में व्यापारियों को लेकर एक धारणा बना दी गई थी कि देश में जो कुछ भी गड़बड़ हो रही है वो सिर्फ व्यापारियों की वजह से हो रही है। कांग्रेस के जमाखोरों ने महंगाई के खेल से फायदा उठाया और तोहमत व्यापारी वर्ग पर मढ़ दी कि महंगाई व्यापारियों की वजह से होती है। ये मैं सही बताता हूं कि नहीं बताता हूं? आपने 70 साल तक यही गालियां खाई है ना। जबकि सच्चाई तो ये है कि मेरे देश का सामान्य व्यापारी तो महंगाई की दोगुनी मार झेलता है। एक तो वो खुद जब अपने घर का बजट बनाता है तो उसे दिक्कत होती है, और दूसरा जब महंगाई की वजह से लोगों के सारे पैसे आवश्यकता की पूर्ति में खर्च हो जाते थे तो कारोबारियों की दुकान में रौनक भी फीकी हो जाती थी। वो अगर नए जूते खरीदना चाहता है तो नहीं खरीदता है, नया एक शर्ट लेना चाहता है तो नहीं लेता है, घर में चार बर्तन लाना चाहता है तो नहीं लाता है, और उसका असर व्यापारी समाज पर पड़ता है। और इसलिए महंगाई का दोगुनी मार अगर किसी को झेलनी पड़ती है तो व्यापारी को पड़ती है। और जब महंगाई कंट्रोल होती है तो जेब में पैसे होते हैं, जब जेब में पैसे होते हैं तो
तो बाजार में लगते हैं, व्यापार तेजी से बढ़ता है।